किया और बी से ई को मिलाया और सी से डी को मिलाया। दिल उसका भी दुखता है, दर्द उसे भी होता है, बस तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए बंद कमरे में चुपचाप रो लेगा, वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा। क्या बात है। फिलहाल आप लोगों को कौन पढ़ाते हैं? बॉबी सर। अच्छा, बॉबी सर पढ़ाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी ए प्लस टू सी है। वाह। ये कहता है कि क्लास मायने नहीं रखता है, नॉलेज मायने रखता है। अच्छा, ये बात है। हाँ, बस ये खान सर से ही सीखा है। हाँ, खान सर से सीखे हैं क्या आप? दोस्तों, अभी मैं बिहार के एक ऐसा गांव में हूँ जहाँ तीसरी क्लास में पढ़ाई करने वाला बच्चा दसवीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ाता है। इस बात को जानकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। अभी हम राजधानी पटना के मसौरी में है, ये जो है चपौर गाँव है। ये साधारण सा गाँव है और साधारण से गाँव के रहने वाला एक 8 साल का बच्चा इतने सारे बच्चे को पढ़ाता है। बाबू, नाम क्या हुआ आपका? बॉबीराज। बॉबीराज, आप कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? थ्री क्लास में। थ्री क्लास में पढ़ाई करते हैं। और कौन कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं? थ्री से लेकर टेन तक। दसवीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ा लेते हैं। अच्छा, तो इतना कम उम्र है, 8 साल के आप है, कैसे इन सारी बच्चों को पढ़ा लेते हैं? हमको पढ़ाया गया है टीचर लोग और मम्मी पापा पढ़ाए थे हमको। अच्छा, मम्मी पापा आपको पढ़ाए हैं। अब जरा सोचिए कि ये बच्चा जो है कोचिंग भी पढ़ने नहीं जाता है, बल्कि इनके जो मम्मी पापा है वो खुद बच्चे को पढ़ाते हैं। ये पैर से दिव्यांग है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे को पढ़ाते हैं और अपना बच्चे को पढ़ाकर इतना ज्यादा टैलेंटेड बना दिए हैं कि ये तमाम बच्चे को ये बच्चा पढ़ाता है। अभी ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? थेल्स पढ़ना। थेल्स पर में? अच्छा, ये तो टेंथ में पढ़ाई होता है, तो आप कैसे पढ़ा ले रहे हैं? हमको पढ़ाया गया है, टीचर लोग और मम्मी पापा पढ़ाए हैं। अच्छा, तो हम पढ़ा रहे हैं। ये बताइए कि थेल्स पर में क्या है और इसे कैसे सिद्ध किया जाता है? इसको हम अभी सिद्ध कर रहे हैं। अच्छा, इसको सिद्ध करेंगे। इसके बारे में ये जो फिगर आप बनाए हैं, इसके बारे में चाहेंगे कि आप बच्चों को पढ़ाइए, किस प्रकार से पढ़ाएंगे अगर पढ़ाना होगा बच्चों को तो? हाँ। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का समांतर, हाँ। त्रिभुज कहता है देखो, त्रिभुज पार लिया और कहता है एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच लिए और कहता है को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात है अनुपात में, यानी कि हमको क्या सिद्ध करना है? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो इसका विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे। विशेष प्रतिज्ञा में माना कि ABC एक त्रिभुज है, हम माना कि ABC एक त्रिभुज है, हाँ। और फिर BC के समांतर D रेखा खींचा है, तो लिखेंगे BC के समांतर D रेखा खींचा। तो हमें अभी बताएं कि हमें क्या सिद्ध करना है, लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। वाह। फिर लिखेंगे रचना में, रचना करेंगे DM लंब, हाँ। DM लंब AC पर खींचा, ई लंब ए बी पे खींचा और बी से ई को मिलाया और सी से डी को मिलाया, यही लिखना है हमको। अच्छा, रचना में। और इसके बाद में तमाम जो ये रचना आप करने के बाद में इसको बनाएंगे तो लगभग पूरा बोर्ड भर जाएगा, ये बोर्ड में हो पाएगा? ये नहीं, नहीं हो पाएगा, यानी कि दूसरी बार आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये सब सीख कैसे लिए हैं? और भी बच्चों को आप क्या क्या पढ़ाते हैं? मैथ। मैथ, मैथ के अलावा और कुछ नहीं? अच्छा, जरा सोचिए कि इतना छोटा बच्चा है और इन तमाम बच्चों को पढ़ा रहा, आप लोगों को कौन पढ़ाते हैं? बॉबी सर। अच्छा, बॉबी सर पढ़ाते हैं। आपको कौन पढ़ाते हैं? बॉबी सर। अच्छा, तो बॉबी सर कैसा पढ़ाते हैं आप लोगों को? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ा लेते हैं? मैथ। मैथ, और मैथ में क्या क्या पढ़ा लेते हैं? मैथ में सब चीज, जो सब चीज जो इनको पता है। कौन से क्लास में पढ़ाई करती है? नाइन में। अब जरा देखिए कि ये नाइन्थ का बच्ची है और भी तमाम जो बच्चे हैं अलग अलग क्लास के हैं और इन सारी बच्चे को ये जो बच्चा है वो पढ़ा लेता है। अच्छा बाबू, ये बताओ कि तुम्हारी उम्र में हम देखते हैं बाकी बच्चे को तो खेलता रहता है, मोबाइल चलाता है, तुम कैसे पढ़ लेते हो और पढ़ाई के साथ साथ इन सभी बच्चे को पढ़ा लेते हो? हमको पढ़ाया गया है और हम पढ़ते हैं, तो स्कूल टाइम में हम वो पढ़ते हैं और मम्मी पापा फिर पढ़ाती है, तो हम ये सब सीखे तब ये सबको पढ़ाते। अच्छा, इतना छोटा है आप, क्या सोचकर सोनू सूद के पास पटना में पहुँच गए थे?
हम यही सोच कर पटना में पहुंचे कि हमको वैज्ञानिक आगे चलकर बनना, वैज्ञानिक बनना है। अच्छा वैज्ञानिक ही क्यों बनना है? क्योंकि हमको खान सर से पता चला है कि सोनू एक बार गया था इंजीनियर क्यों मिल लेकर, तो खान सर ने कहा कि लक्ष्य सीमित नहीं रहती है, तुम इंजीनियर ही क्यों बनोगे, आगे उस इंजीनियर से बड़ा वैज्ञानिक क्यों नहीं बन जाते, तो हम वैज्ञानिक बनने सोचे। वाह क्या बात है, यानी कि एक चीज नहीं बना जा सकता और भी तमाम चीजें हैं, आप सोचे कि वैज्ञानिक ही क्यों ना बन जाए। अब जरा सोचिए कि बिहार में अगर देखा जाए तो टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इन सभी टैलेंट को जो है मौका नहीं मिलता है। इससे पहले आप सोनू को देखे होंगे, हालांकि सोनू का जो वीडियो है वो काफी वायरल हुआ, तो सोनू का जो एडमिशन है वो बाहर हो सका। हालांकि और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं बिहार में टैलेंटेड है, हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम चाहेंगे कि आप सिद्ध करके बताइए इसे। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको सिद्ध करना है। हाँ, बराबर टू ए बी होता है, इसको सिद्ध करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हाँ, अब हमको इसको सिद्ध करना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि क्या बात है, दो को इसको दो को लिख लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब इसको गुना करेंगे, ए को गुणनफल नहीं करेंगे, ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, और ए को बी से गुना करेंगे तो प्लस ए बी, और बी को ए से गुना करेंगे तो प्लस बी ए, और फिर बी को बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। वाह वाह क्या बात है, ताली बजा दीजिए आप लोग बच्चे के लिए। आप देख सकते हैं कि ये 8 साल का बच्चा है और किस प्रकार से ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, इसको सिद्ध कर दिया है। इन दोनों के जोड़ेंगे तो टू ए बी होगा, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्या बात है, और क्या क्या सिद्ध करके बता देंगे? बहुत सारी चीजें। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी ए प्लस टू सी ए। वाह अच्छा, और आप क्या क्या बता देंगे? हमने सुना है कि ये मैथ में बहुत सारा फॉर्मूला हो गया, मैथ में कुछ और भी फॉर्मूला आपसे पूछते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयत का परिमाप टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जरा इनके पिताजी है, थोड़ा सा आप आ जाइएगा। अब जरा सोचिए कि ये पैर से दिव्यांग है, लेकिन इसके बाद भी जो है तमाम बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चा को इतना टैलेंटेड बना दिए हैं कि बच्चों भी जो है बहुत सारे बच्चा को पढ़ा लेता है। अच्छा ये बच्चा कैसे ये सब सीख लिया? देख रहे हैं कि थेल्स परिमेय बता दे रहा है और भी तमाम जो ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन हो जाए, टेंथ क्लास के जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी बता दे रहा है। इसका बताने का मेन रीजन है ये स्कूल के वातावरण में रहता है, दूसरे को पढ़ाते हैं हाँ। चुपके से देखकर कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जिसको हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं हाँ। वो भी आधा सीख लेता है, वो भी आधा सीख लेता है, तो मजबूरी में हमको इसको बताना पड़ता है। अच्छा। तो ये कहता है कि क्लास मायने नहीं रखता है, नॉलेज मायने रखता है। अच्छा ये बात है। हाँ बस खान सर से ही सीखा है। हाँ, खान सर से सीखे है क्या आप? आप भी देखेंगे खान सर इतने सारे बच्चे को पढ़ा लेते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते है ना। खान सर के बारे में क्या कहेंगे आप? खान सर के बारे में यही कहेंगे कि वो बहुत सारे लोगों को पढ़ाते हैं और हंसा हंसा के पढ़ाते हैं, इससे सबको समझ में आ जाता है। अच्छा हम चाहेंगे कि मैथ में कुछ क्वेश्चन और भी इस बच्चे से आप पूछिए। घन का आयतन, घन का आयतन भुजा क्यों? घन का विकर्ण रूट थ्री गुना भुजा। घन का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल चार गुना भुजा स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल छह गुना भुजा स्क्वायर। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने सौ बटी कैरम्बोल। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने सौ बटी कैरम्बोल। साधारण ब्याज बराबर साधारण मूलधन गुने समय गुने दर बटी सौ। वाह जरा सोचिए कि ये 8 साल का बच्चा है, हालांकि बहुत सारे सवालों का जवाब ये बच्चा देता है। अच्छा हम आपसे क्वेश्चन बनवाना चाहेंगे तो क्वेश्चन आप बना देंगे। क्वेश्चन आप लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस बारह, और इसका आप मान निकालिए क्या होगा। जिसको हम गुणनखंड है तो इसको गुणनखंड करेंगे, तब हम इसको पहले लास्ट और फर्स्ट वाले अक्षर को गुना करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कि एक, अब गुना करेंगे तो बारह और एक को गुना करेंगे तो क्या होगा बारह, तो बारह। अब बारह का खंड करेंगे दो से छह हो जाएगा दो से तीन, अब हमको इसमें क्या बुलाना है सात दो दिन चार और तीन। अगर हम इन दो पहले अगर हम दो इधर दो रखे और तीन और छह इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा आठ, और घटाएंगे तो क्या होगा चार, यानी कि हम ये नहीं ले सकते। अगर इन दोनों को लिए और तीन को ऐसे जोड़ दिए दो दूनी चार और तीन, चार और तीन को पहले जोड़ेंगे तो हो जाएगा सात एक्स, तो हमको सात एक्स पुराना है तो लिख देंगे। अब हमको
प्लस में भी चार चाहिए और प्लस में तीन। अब एक्स में पुराना तो एक्स एक्स लगा दिया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस बारह बराबर जीरो। एक्स इंटू एक्स प्लस फोर प्लस थ्री कॉमन लिया तो एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर। वाह क्या बात है। अच्छा आप इनकी माँ है, आपने अपने बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाई की इतना सवाल का जवाब देता है? बच्चे को बस खेल खेल में पढ़ाए हैं, इतना सारा बच्चा है सबके साथ पढ़ाते हैं और एक दूसरे में कंपटीशन की भावना जगाते एक दूसरे में कंपटीशन, एक दूसरे में कंपटीशन, उसका जवाब देगा वो प्रश्न करेगा उसका जवाब देगा। हाँ। इस प्रकार से कंपटीशन का भावना जगा करके सब, मतलब ये नहीं पता चलता है कि कौन टीचर है और कौन स्टूडेंट है। कभी वो सब में सम्मान मैल हुआ कि ये भी टीचर है ये भी स्टूडेंट है आप भी टीचर है वो भी। हाँ, मतलब अपने आप को कभी मैं भी टीचर नहीं मानी। हाँ। बस हम भी टीचर हैं या स्टूडेंट है, कभी ये टीचर है हम स्टूडेंट हैं। इस प्रकार का वातावरण बना करके सबको खेल खेल में आगे बढ़ाते। अच्छा, हैं। अच्छा ये सारे बच्चे मतलब जो भी पढ़ रहे हैं सारे टैलेंटेड है। बाबू ये बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। वाह, और आपको किसने पढ़ाया है? मैम ने। फिलहाल आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी। कौन से क्लास में पढ़ाई करती हो? सेवन क्लास। अच्छा आप क्या सुनाएगी कुछ बताएगी? ये बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वाह, जरा सोचिए कि इन सभी बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाया गया कि सारे प्रश्न का जवाब देता है। माँ पापा के लिए जरा बहुत सारा आप शायरी बोलते हैं, हम चाहेंगे कि कुछ हो जाए लाइनें पिता के बारे में। हाँ। वो अपने पसीने बेचकर। हाँ। वो अपने पसीने बेचकर तुम्हें हर खुशी से नवाजेगा, अपनी जिंदगी बेरंग करके तुम्हारी जिंदगी में रंग घोलेगा। वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा। वाह वाह क्या बात है, और कुछ बोलिए। जब भी कुछ लेने की जिद करोगे क्या चाहिए बेटा, बस एक बार पूछेगा तुम्हारी एक मुस्कान के लिए। वो अपनी हर मेहनत की कीमत को तौलेगा, वो पिता है कभी कुछ नहीं। वाह क्या बात है। तुम्हें रिनकोट पहना के, तुम्हें रिनकोट पहना के खुद बारिश में भींगेगा, तुम्हें पलंग पे सुला के खुद ठंडी जमीन पे सो जाएगा, वो पिता है कभी कुछ नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और कुछ लाइनें बोलना चाहेंगे? खुद को ऐसे दिखाता है जैसे उसे किसी भी चीज की कमी नहीं, लेकिन तुम्हारे एक तकदीर सवारने के लिए वो अपनी हाथों की लकीर धोलेगा, वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा। वाह क्या बात है। और एक जो सबसे अच्छा आपको लाइन लगता हो वो जाए। हम बड़े हो जाने से समझदार हो जाते हैं, हम बड़े हो जाने से समझदार हो जाते हैं। उस इंसान से कोई गलती हो गई तो जोर से डांट लगाते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं किसने हमारे लिए क्या क्या किया है। किसी से ठीक से बात ना कर पाए तो शर्म आती है। एक बात याद रखना, दिल उसका भी दुखता है, दर्द उसे भी होता है, बस तुम्हें बुरा ना लगे इसीलिए बंद कमरे में चुपचाप रो लेगा, वो पिता है कभी कुछ नहीं बोलेगा। क्या बात है। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं। हाँ। गरीब मर जाना गुनाह होता है। हाँ। वाह। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मर जाना गुनाह होता है। और मैं अपने आप को बुलंद किया और मनीष कश्यप भैया को रास्ता दिखाने वाला दोस्त और सोनू सूद भैया को सिर्फ पढ़ा। अच्छा, सोनू सूद से आप मिल चुके हैं, सोनू सूद आपके मदद के लिए कुछ बोले हैं आपको? आपको क्या सपोर्ट चाहिए सोनू सूद से? कि हमको वैज्ञानिक बनने के लिए मदद चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपका जो एडमिशन है एक अच्छा सा स्कूल में हो जाए? ऑनलाइन में। ऑनलाइन में। फिलहाल ये छोटा सा बच्चा है, हालांकि देखा जाए तो ये बच्चे में जो है रियल में टैलेंट है। बहुत सारे ऐसे सवाल जो बच्चों को वाकई में जानना चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब देता है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं इनके घर पे पढ़ने के लिए आते हैं, इनके पिताजी भी पढ़ाते हैं, इनके मम्मी भी पढ़ाती है और ये बच्चा भी अब पढ़ाने लगा है। ऐसे में बहुत बड़ी बात है। हालांकि बिहार में देखा जाए तो टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बस टैलेंट को मौका नहीं मिलता है। और ऐसे बच्चे आपको बिहार में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।